सुबह ही पहले चाय देते जाओ। शादी चाहिए खालो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हल्का संभली बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी टीआरएस ऑफिस पर आज एक्टिव मेंबरों की मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग रखने का हमारा मकसद यही है कि हमारे कायद केसीआर साहब और केटीआर साहब ने जो मेंबरशिप के लिए हमें जो जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को हम बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में नंबर वन तरीके से मेंबरशिप कराएं, क्योंकि इससे तीन बार हमने बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी की एरिया में डॉक्टर इमला रहीम खान और गुलाम नबी साहब, मेरे पूरे कैडर के संगात मैंने तीन बार मेंबरशिप की है और बहुत ही अच्छे अंदाज में हमें जो टारगेट दिया था हमने कंप्लीट किए। आज खासकर शेख अंसारी साहब जो इस मेंबरशिप के इंचार्ज बनाकर दिए हैं, वो हरदिल अजीज नौजवान कायद हैं। उन्होंने आकर मुझसे कहा, कैसर भाई बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में जितनी मेंबरशिप आप हर वक्त करते हैं उससे ज़्यादा मेंबरशिप आप आपके करें। मैं उन्हें यकीन दिलाया हूं, आप जिस उम्मीद से बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में आप आए हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला मेरे पूरे कैडर को लेकर बहुत ही अच्छे अंदाज में मैं मेंबरशिप करूँगा। और यहाँ आज इस मेंबरशिप को चालू करने के मकसद हमारा यही है कि हम बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी से जो 6 कारपोरेटर इलेक्शन लड़े हैं और जो डिवीजन प्रेसिडेंट हैं वो आज मौजूद हैं, जिनके नाम आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। किशनबाग से रहीम खान अज्जू, नवाब साहब कुंटा, गुलाम नबी साहब, जहानुमा साजिद खान साहब, रमनसपुरा नूरुल करीम साहब, फलक नुमा सैयद कमाल अली साहब, दूध बोड़ी डॉक्टर इमला साहब, ये पूरे यहाँ आज मौजूद हैं। जो कारपोरेटर इलेक्शन लड़े हैं वो श्रीनिवास नायक फलकनुमा, बी राकेश दूधबोड़ी, जमील अहमद रमनसपुरा, गुलाम नबी साहब जानुमा और बाकी के सब लोग यहाँ मौजूद हैं। आज उन्हें मैं ये जिम्मेदारी दे रहा हूँ, इंशाअल्लाह हम ये 15 तारीख के अंदर सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के मेंबरशिप कंप्लीट करेंगे। और मैं अवाम से दर्द बरदाना अपील करता हूँ कि आपको एक सुनहरी मौका आया है टीआरएस के एक टू मेंबर बनने का। ये मेंबर बनने का मकसद यही है कि आज तेलंगाना की जो नंबर वन पार्टी ऑल इंडिया में मशहूर हैं उसके आप मेंबरशिप बन रहे हैं। और इससे मेंबरशिप से फ़ायदा ये है कि 2 लाख का इंश्योरेंस है, खुदा ना खास्ता इंसान की ज़िंदगी में कोई हादसात आ जाए तो पार्टी के तरफ से 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जा रहा है। आप अपने मेंबरशिप बनाते वक्त नामनी में अपनी फैमिली मेंबर का किसी एक का नाम दें, जो जिसको कुछ हादसात हो जाएं तो उनको 2 लाख रुपए मिलते हैं। मैं कैडर से अदबन अपील करता हूं कि आप लोग आज से इंटरेस्ट लेकर हर डिवीजन में अपनी मेंबरशिप को जल्द से जल्द कंप्लीट करें और हमारे कायद केसीआर साहब और केटीआर साहब के हाथ मजबूत करें और बहादुरपुरे का नाम रोशन करें, जिस तरीके से बहादुरपुरे के बहादुर लोग हर वक्त कामयाब हुए हैं और अब की बार और अच्छे अंदाज में कामयाब हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्का संभली बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी टीआरएस ऑफिस पर आज मेंबरशिप की जो मीटिंग रखी गई थी, हर एक डिवीजन प्रेसिडेंट, कारपोरेटर और पार्टी के वर्करों को ये जिम्मेदारी दी गई है और अवाम की तवज्जो टीआरएस पार्टी के तरफ देखते हुए और मेरे पार्टी के कैडर में जो दिलचस्पी देखते हुए मैं ये महसूस करता हूँ, जो टारगेट हमें केटीआर साहब ने दी उसे बाखूबी तरीके से हम जल्द से जल्द 15 तारीख में ये टारगेट कम्प्लीट कर देंगे। और इस टारगेट के मेंबरशिप के इंचार्ज अंसारी साहब यहाँ पे आए थे, अभी कुछ मसरूफियात की वजह से गए हुए हैं, उनको इस मेंबरशिप की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने मुझे कहा है कि बहादुरपुर कॉन्स्टेंसी की जिम्मेदारी आप 3 बार अदा कर चुके हैं, अब कई बार भी आप ये मेंबरशिप करें। मैं सबसे पहले हमारे बहादुरपुर के कैडर जो मेरे हर वक्त हर कदम पर साथ देते हैं, वो खासकर डॉक्टर इमला हैं, रहीम खान, गुलाम नबी साहब, चांद खान साहब, यूसुफ साहब, एमडी जावेद साहब, राशिद खान साहब, जमील अहमद साहब, नूरुल करीम साहब, इमरान हाशमी, सैयद कमाल अली साहब, साजिद खान साहब और अहमदी बेगम साहब, साई किरण बीसीसीएल एससीएल के जो जिम्मेदार हैं उन्होंने, ये हर वक्त
कदम टू कदम मेरा साथ देते हैं और आज बड़ी खूबसूरती अंदाज में उन्होंने इस मेंबरशिप कंप्लीट करने का मुझसे वादा किए हैं। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि यह मेंबरशिप कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी या स्टेट के जो भी पोस्ट होंगे, मैं केटीआर साहब, अली जनाब, होम मिनिस्टर महमूद अली साहब से आप लोगों की नुमाइंदगी करूंगा और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आप लोग काफ़ी मेहनत पार्टी के लिए करे हैं, आप लोगों के संगत अगर कुछ नाइंसाफी हुई है तो इंशाल्लाह आइंदा नाइंसाफी नहीं होगी और आप लोगों को जिस तरीके से सीनियर आप बहादुरपुर में काम कर चुके हैं आपको अपना हक मिलेगा और बाकी के जो लोग आ रहे हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, वो कई पार्टी बदल चुके हैं, उनकी तवज्जो आप मत लीजिए। आप लोग जो वर्क कर रहे हैं वो वर्क की जिम्मेदारी केटीआर साहब को भी मालूम है और आली जनाब होम मिनिस्टर महमूद अली साहब को भी मालूम है। आप हिम्मत से काम करें, केसीआर साहब का हाथ मजबूत करें, केटीआर साहब का हाथ मजबूत करें और मेंबरशिप को 15 तारीख तक कम्प्लीट करें। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय महमूद भाई, जय जय तेलंगाना। बेटे आप बात करो, बेटे हट जाओ, जय केसीआर, जय केटीआर, जय जय तेलंगाना।